अभी भी ये समझ नहीं आई कि हमने अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर करना कैसे। ग्रोथ रेट हमारी ऊपर जाती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता था। रुपया जब नीचे जाता था, IMF के पास जाना पड़ जाता था। अगर आपकी इकोनॉमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। और उसकी वजह क्या है कि कभी भी एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी हिस्से का इजरा कर दिया गया। वतन का दिफा हर सतह पर नागुजीर करार, मजबूत मईशत ही कौमी सलामती की जामिन। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुत्तफिका तौर पर जाम सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी गई। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वजीर आजम इमरान खान। मुश्किल वक्त में अफगान भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, इंसानी बहरान से बचाने के लिए हर मुमकिन तआवुन किया जाएगा, वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का आज़्म। अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तश्वीश का इजहार। कौमी सलामती पॉलिसी के तहत हुकूमत का गैर मुल्कियों को मुस्तकिल रिहायश का प्लान। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वजीर आजम के हवाले से एक बार फिर बैरून मुल्क से तरसीलात का रिकॉर्ड टूट गया, वजीर तलात फवाद चौधरी का बयान। मुल्क भर में 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिल चुकी हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है, वजीर आजम इमरान खान फेडरेशन की अलामत हैं। चारों सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं। वजीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब और मुआविन खुसूसी उमूर नौजवानान उस्मान डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल बन गया अवाम की आवाज, अवाम के मसाइल का तेजी से हल, तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरजीह। सिटीजन पोर्टल ने वाहकेंट के रिहायशी जहूर अहमद की दादरसी कर दी। साहिल ने अपने मरहूम वालिद के वाजबात की अदायगी ना होने पर शिकायत की थी। सिटीजन पोर्टल ने साहिल का 16 माह से फंसा केस एक माह में हल करा दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच की मुसलमान और दूसरी अकलियतों से इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने पर बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद। भारतीय पुलिस मुसलमानों पर तशद्दुद करने वाले बीजेपी के हामियों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम। समाजी कारकुनों, सहाफियों, शायरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां की गई। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना रिपोर्ट 2022 जारी। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू होने लगा, मुस्बत केसेस की शरह 8.16% तक पहुँच गई। 4,286 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी, आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। आलमी सतह पर कोरोना ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। एक दिन में 31 लाख के करीब नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 7,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीका में 7.5 लाख के करीब नए केसेस सामने आ गए, 2,000 से ज्यादा अमवात। 19 अमरीकी रियासतों के अस्पतालों में 85% बिस्तर मरीजों से भर गए। भारत में भी कोरोना का तेज रफ्तार फैलाव, 2,67,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट, कई रियासतों में पाबंदियां नाफज। हवा का लम्स जो अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। हम ऐसे खाक नशीन क्या लुभा सकेंगे उसे, हम ऐसे खाक नशीन क्या लुभा सकेंगे उसे, वो अपना अक्स भी मीजान जर में तोलता है। उर्दू के नामवर और साहिब तर्ज शायर मोहसिन नकवी को मदाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी ने शायरी की हर सिंफ में नाम कमाया, सियासत में भी मुतहर्रिक रहे। अपने दर्द को अल्फाज में पिरोने वाले शायर आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा। मुल्क भर में मंगल से फिर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात। वेस्ट इंडीज में ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का फातेहाना आगाज। आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। कौमी जूनियर टीम अपना पहला मैच 17 जनवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी।
इवेंट के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आलमी नंबर एक सर्बिया के नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में एक मरतबा फिर हिरासत में ले लिया गया। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को दोबारा वीजा मंसूखी का फैसला चैलेंज कर दिया था। जोकोविच के वकील ने वीजा मंसूखी के खिलाफ अदालत में हुक्म इम्तना की दरखास्त जमा करा दी है। मकामी अदालत ने समाअत के बाद केस फेडरल कोर्ट को भिजवा दिया है। समाअत कल होगी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन तफ़सीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुत्तफ़िक़ा तौर पर जामे सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी गई। बहैसियत कौम आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि माशरे का हर तबका और फर्द यकसां तरक्की करे। इस्लामाबाद में कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक विजन के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून की हुक्मरानी, कमजोर तबके की फलाह और यकसां निज़ाम तालीम वो बुनियादी उमूर हैं जिन पर चलकर कौमी सलामती को यकीनी बनाया जा सकता है। तफ़सीलात बताएंगे असद यार खान। कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन का इजरा कर दिया गया है। दस्तावेज में पॉलिसी के खदोखाल वाजे किए गए हैं। कौमी सलामती पॉलिसी तमाम इदारों, शोबों और वजारतों के इत्तफाकी राय से तैयार की गई है। साल 2014 में पॉलिसी को तश्कील देने का आगाज हुआ जो 7 साल के अरसे में एक मुत्तफिका दस्तावेज की शक्ल में सामने आया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जामे कौमी सलामती पॉलिसी ने सिम्त मुतय्यन कर दी है। मजबूत मईशती कौमी सलामती की जामिन है। हमें तरक्की का ऐसा मॉडल अपनाना है जिसमें शहरियों की सलामती को यकीनी बनाया जाए। ये जो आपने एक ऑल इनकम्पसिंग मल्टी डायमेंशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी दी है, अब हमारी सारी कोशिश है कि गवर्नमेंट है, पब्लिक है, वो सब एक डायरेक्शन में जाए। आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है जब आपकी अवाम आपके साथ खड़ी हो जाती है, जब आपकी अवाम स्टेक होल्डर्स बन जाती है मुल्क को बचाने के लिए। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट अब आपने दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ का कि हम जब तक बाहसियत कौम डेवलप नहीं होंगे, हम अगर एक ही सेक्शन डेवलप हो जाएगा या अमीर अमीर हो जाए और आम लोगों की जिंदगियों में फर्क ना पड़े, वो कौम हमेशा इनसिक्योर रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कमजोर तबके की फलाह और कानून की हुक्मरानी हमारी अहम तरजीहात हैं। मदीना की रियासत भी इन्हीं असूलों पर कायम थी। तबकाती निज़ाम तालीम के खात्मे के लिए कोशिशें हैं। पहली दफ़ा और बड़ी मुश्किलों से हमने एक नेशनल करिकुलम क्लास 5 तक लेके आए हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ऊपर लेके जाएंगे। हर ख़ानदान को हमने हेल्थ इंश्योरेंस दे दी 10 लाख की अपने सूबों के अंदर जिधर हमारी गवर्नमेंट है। मार्च तक हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। फिर जो एहसास के सबसे बड़े हमने प्रोग्राम्स किए आज तक, जो चैलेंज है पाकिस्तान का वो है रूल ऑफ लॉ। कोई भी दुनिया का आप मुल्क देख लें वो खुशहाल हो ही नहीं सकता रूल ऑफ लॉ के बगैर। कभी भी इस तरह ताकतवर को इस माशरे ने कोशिश नहीं की कानून के नीचे लाने की। और ये जो स्ट्रगल है ये है बैटल फॉर सोल ऑफ पाकिस्तान। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और बरामदात में इजाफे को हुकूमत की तरजीहात करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 नए डैम तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी एक छतरी की मानंद है जिसका मैवर माशी तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की है। दीगर तमाम पॉलिसियाँ इसी से मुंसलिक हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के सेक्रेटरी ने कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी के मरहल से आगाह किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तमाम शोबाए ज़िंदगी के अफराद से मशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की दस्तावेज पर दस्तखत करके इसका बाकायदा इजरा किया। पॉलिसी में आवाम से मुतालिक 50 से 55 सफात पर मुश्तमिल दस्तावेजात जारी की गई हैं। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने की खातिर अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जरूरत के वक्त अफगानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के बारे में एपेक्स कमेटी के 30वें इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की अपील का खैर मकदम किया। एपेक्स कमेटी ने एक बार फिर अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बिरादरी और इमदादी इदारों से अपील की कि वो इस नाजुक मोड़ पर अफगान अवाम को इमदाद फराहम करें।
वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि दोस्त ममालिक के साथ मिलकर तआवुन के इम्कानात तलाश करें और अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने के लिए मेडिकल, IT, फाइनेंस और अकाउंटिंग के शोबों के माहिरीन भेजे जाएं। उन्होंने अफगानिस्तान की बहाली और तरक्की में मदद के लिए रेलवे, मादनियात, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल के शोबों में तआवुन बढ़ाने की भी हिदायत की। एपेक्स कमेटी को अफगानिस्तान के लिए 5 अरब रुपये की इमदाद के हवाले से होने वाली पेशरफ के बारे में आगाह किया गया। इमदादी प्रोग्राम में खजाई अजनास, 50,000 मेट्रिक टन गंदम, हंगामी तबी सामान, मौसम सरबर रहने के लिए पनागाहें और दीगर सामान शामिल हैं। कमेटी को बताया गया कि अफगानिस्तान इस वक्त सख्त सर्दी के बायस भूख और बहरानी सूरत हाल के दहाने पर है। बहरान लोगों के लिए मुनासिब खुराक और रिहाइश के हसूल मुश्किल बना देता है। कमेटी ने अफगान अवाम के साथ एकजहती का अदा करते हुए इमदादी इदारों पर फौरी कार्रवाई करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार जारी है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि एक बार फिर बैरून मुल्क से तरसीलात का रिकॉर्ड टूट गया। उन्होंने कहा कि तरसीलात 11.3% बढ़ी जबकि जुलाई से दिसंबर के दौरान 6 माह में 15.8 अरब डॉलर की रकम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजी। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि IT का शोबा दुनिया में तेजी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान का फैसला इस शोबे में होने वाली तरक्की की रफ्तार से खुद को आहंग करेंगे। इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक हुआवे मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान एक खामोश इंकलाब से गुजर रहा है। ख्वाहिश है कि नौजवानों के लिए मौके पैदा किए जाएं। हुकूमत का डिजी स्किल्स प्रोग्राम इस हवाले से खुश आइंद इख्ताम है। IT दुनिया के अंदर एक्सपोनेंशियल तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान के फैसला करने वाले बेइंतहा ज़रूरी है कि उस पेस को मैच करें, दूसरी दुनिया की कौमों से ज़्यादा तेज़ भागें। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पाकिस्तान तमाशा देखता रहा, अपने यहाँ करप्शन करता रहा, फैसले सही नहीं किए तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हम हिस्सा नहीं बने। मगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो IT का रेवोल्यूशन है उसकी ट्रेन पास से गुजर रही है, बड़ी स्पीड में गुजर रही है, उसके साथ हमको भागकर उस पर सवार होना पड़ेगा। हुआवे ने IT के शोबे में नौजवानों के टैलेंट को सामने लाने के लिए मुकाबलों का इनेकाद किया। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ मुल्कों के 50,000 से ज्यादा तलबा और 415 जामियात ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी नौजवानों ने इन मुकाबलों में नुमाया पोजिशंस हासिल की। वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल बन गया आवाम की आवाज़, आवाम के मसाइल का तेजी से हल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरजीह है। सिटीज़न पोर्टल ने वाकियन के रिहायशी ज़हूर अहमद की दादरसी कर दी। साहिल के वालिद मरहूम मंजूर अहमद ने अपनी जिंदगी में वाजबात की वसूली के लिए मुतालिका महकमे को शिकायत की थी। मंजूर अहमद मरहूम का बेटा भी वालिद के वाजबात के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा लेकिन सुनवाई न हो सकी। वाजबात की अदायगी न होने पर साहिल ने सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत कर दी। सिटीज़न पोर्टल ने साहिल का 16 माह से फंसा केस 1 माह में हल कराकर तमाम वाजबात की अदायगी करा दी। मसला फौरी हल होने पर साहिल ने वजीर आजम और PMDU की टीम का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इज़हार जारी और सारी है। एक बार फिर बैरून मुल्क से तहसीलात का रिकॉर्ड टूट गया। वज़ीर इत्तला'आत ने अपने ट्वीट में बताया कि तहसीलात 11.3% बढ़ी और जुलाई से दिसंबर के 6 माह में 15.8 अरब डॉलर की रकम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजी। और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए अब आपको बताएंगे कि वज़ीर मुमलिकत इत्तला'आत और नशरियात फरूख हबीब ने कहा है कि नून लीग ने सिर्फ ज़ाती फायदे के लिए प्रोग्राम्स शुरू कराए। मरियम सफदर को प्राइम मिनिस्टर लोन प्रोग्राम का सरबराह मुकर्रर किया और इस प्रोग्राम के तहत सिर्फ 26 अरब रुपये तकसीम किए। इस्लामाबाद में मौवन खसूसी उमूर नौजवान उस्मान डार के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि माजी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी तशहीर और सियासी रिश्वत के तौर पर प्रोग्राम मुतारिफ कराते थे जिनकी वजह से मईशत कमजोर हुई। फरूख हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम का हदफ 50 अरब रुपए तक बढ़ाएंगे। अब तक 30 अरब रुपए के मंजूर शुदा कर्ज से 22,000 नए कारोबार शुरू किए जा चुके हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम में स्टार्टअप को प्रमोट किया गया है। प्रोग्राम के पहले मरहले में 10 लाख रुपए तक कर्ज बगैर गारंटी के साथ हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा हुनर सबके लिए प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं जिनमें से 25,000 नौजवान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुके हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि नौजवानों को मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल करने के लिए AGC के साथ मिलकर टैलेंट हंट प्रोग्राम भी शुरू किया है।
پورے ملک میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ابھی بھی جاری ہے. معاون خصوصی عثمان ڈار نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2023 پاکستان میں نوجوانوں کا سال ہوگا. کوشش ہے کہ 12 اگست 2022 کو نوجوانوں کے عالمی دن کی میزبانی پاکستان کو ملے. انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت 18 سے 45 سال کے نوجوانوں کو قرضہ دیا جا رہا ہے. ماضی میں بینک بھی سفارش پر قرضہ دیتے تھے. عثمان ڈار نے کہا کہ رواں سال 50 ارب روپے تک کے قرضے دیے جائیں گے جبکہ گزشتہ سال 27 ارب تقسیم کیے گئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں پائیدار انفراسٹرکچر کے لیے سالانہ 1.5 ٹریلین ڈالر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ یکساں ترقی کے لیے وسائل کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے. چین اور 77 گروپ کی سربراہی سنبھالنے کے موقع پر تقریب سے ورچوئل خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ گروپ ترقیاتی اہداف کے حصول میں قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہے. The 134 members of the group for reposing their trust in my country to chair the group of 77 and China in these challenging times. In the current trying times, it is essential for our group to retain cohesion and unity in its collective endeavors to ensure and promote prosperity of our peoples in conditions of equity and equality. Excellencies, the world is facing a triple crisis: the COVID-19 pandemic, the related economic downturn, and the threat posed by climate change. The lesson must be learnt. Vaccine production and universal distribution and reinforced health systems are the best response to the mutating COVID-19 virus and to ending this pandemic. ناظرین بلٹن میں مزید خبر شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر طرف بریکنگ نیوز، ریٹنگ کے گرداب میں لپٹے تجزیے اور تہلکہ خیز انکشافات، مسائل اور سیاست کے شور میں چھپے خاموش مفادات، عوام کے لیے دن رات صرف مایوسی ہی کیوں؟ معاشی ترقی، حقیقی خوشحالی، سچ اور ملکی مفادات پر پڑی دھول کون صاف کرے گا؟ کون بتائے گا اصل حقائق؟ کون دکھائے گا آج کا پاکستان؟ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیریوں کے قتل عام کے واقعات میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کے بدنام زمانہ تہار جیل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ حق خود ارادیت مانگنے والے بے گناہ کشمیریوں کا وحشیانہ قتل بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق کے شارٹر اور بھارتی رہنماؤں کی طرف سے عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. انہوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کی ڈپٹی جدوجہد میں ثابت قدم رہنے پر کشمیریوں کی تعریف کی. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبد الغنی بٹ نے سوپور میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر جنوبی ایشیا کے خطے میں امن کو ایک موقع دیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان خوشگوار تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایک
इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में मुसलमानों और दूसरी अकलियतों से इम्तियाजी रवैया अख्तियार करने पर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2022 में कहा है कि बीजेपी के रहनुमा मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, जबकि पुलिस मुसलमानों पर तशद्दुद करने वाले बीजेपी के हामियों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रही है। इसका नतीजा ये निकला है कि मुसलमानों और हुकूमत पर तनकीद करने वालों पर हमलों के सिलसिले में हिंदू कौम परस्त ग्रुपों का हौसला मजीद बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने समाजी कारकुनों, सहाफियों, पुरअम मुजाहिरीन, हत्ता के शायरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां की। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला जारी है और इंसानी हकूक के कौमी कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक सन 2021 के पहले 9 महीनों में पुलिस की हिरासत में 143 अफराद कत्ल हुए, जबकि 104 अफराद को मावराए अदालत शहीद कर दिया गया। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि लाखों अफगान मौत के दहाने पर हैं। अमरीका और आलमी बैंक अफगानिस्तान के मुंतमद फंड्स बहाल करें। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी पर अपील की है कि अफगानिस्तान को माशी और समाजी तबाही से बचाने के लिए इमदाद की फराहमी के साथ साथ बैंकिंग निज़ाम को फिर से शुरू करने के लिए तआवुन बढ़ाया जाए। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि यह बहरान लाखों लोगों के लिए गुरबत, भूख और बदहाली का बायस बनेगा। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड फ्रोजन एसेट्स are a lethal combination for the people of Afghanistan. Rules and conditions that prevent money from being used to save lives and the economy must be suspended in this emergency situation. International funding should be allowed to pay the salaries of public sector workers and to help Afghan institutions deliver healthcare, education and other vital services. The United Nations in Afghanistan stands ready to work with member states and others to put in place accountable systems that will enable funds to reach the Afghan people most in need and to ensure that these funds are not diverted. As I appeal to the international community to step up support for the people of Afghanistan, I make an equally urgent plea to the Taliban leadership to recognize and protect fundamental human rights and in particular the rights of women and girls. अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुंतबिद असासों की बहाली और बैंकिंग सिस्टम शुरू करने के हवाले से सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अपील का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को बैनुल अक़वामी आवाज का मुस्बत जवाब देना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क के सेक्रेटरी जनरल खुर्शीद भल्ली ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पीटीआई का असासा हैं। तरसीलात जर में दिन ब दिन इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानीज का वजीर आजम पर एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नर पंजाब ने खुर्शीद भल्ली की अमरीका में खदमात को भी सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क के सेक्रेटरी जनरल खुर्शीद भल्ली ने कहा कि जिस तरह वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल की हल में दिलचस्पी ली है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना के इलाज के लिए दो नए तरीकाकार की मंजूरी दी है, जिनके जरिए जिस्म में मस्नूई तरीके से दिफाई खुलिये पैदा करना है। चीन में वायरस का फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन के अमल को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। शिमाली शहर तियानजिन में इज्तमाई टेस्टिंग का तीसरा मरहला शुरू किया गया है। आइंदमा सरमाए पैरोलंपिक्स के तनाजुर में चीन में कोरोना एसओपीज को मजीद सख्त किया जा रहा है। भारत में भी कोरोना की नई लहर जोर पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में हिंदू यात्री दरियाए गंगा की अस्नान और मजहबी रसूमात की दायकी में मसरूफ हैं। माहिरीन के मुताबिक एसओपीज की खिलाफ वर्जी की वजह से खदशा है कि भारत में कोरोना की लहर मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। नीदरलैंड्स में वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत नई पाबंदियों के नफाज पर गौर कर रही है। अमरीका में 24 घंटे में कोरोना के 11 लाख से जायद नए केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि 2400 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। आदाद शुमार के मुताबिक बुध के रोज अमरीका में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद अस्पतालों में दाखिल हुए। अमरीकी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। 19 रियासतों के अस्पतालों में 85% बिस्तर मरीजों से भर गए हैं।
जबकि पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.16% तक पहुंच गई है। 24 घंटे में 4,286 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 4 अफराद लुकमय अजल बन गए। 709 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल मुअसर तरीके से जारी है। अहले आबादी के 50% को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। NCOC ने बूस्टर डोज के लिए उम्र की मजीद हद कम कर दी है। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के शहरी बूस्टर डोज लगवाने के अहल होंगे। बूस्टर डोज वैक्सीन की दूसरी खुराक के 6 माह बाद लगाई जा रही है। इससे पहले 30 साल से ऊपर के शहरी बूस्टर डोज लगवाने के अहल थे। वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि गलत और गैर मोहतात अदालती रिपोर्टिंग से अवाम दुरुस्त इत्तला'आत के हक से महरूम रहते हैं और कानून की बालादस्ती और अदलिया का वक़ार भी मुतासर होता है। इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नौमुंतखब अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदालती रिपोर्टिंग की अहमियत दायर करदा मुकदमात जितनी है। केसेस दायर होने से पहले दर्जनों मामलों में अदालतें मीडिया रिपोर्ट्स पर खुद नोटिस लेती हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अदलिया की कवरेज करने वाले सहाफी मुल्क में जिम्मेदाराना सहाफती फरोख में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि कानूनी सहाफत में सहाफत और कानून दोनों शामिल होते हैं। अदलिया की कवरेज करने वाले सहाफियों की तरबियत जरूरी है। इस जन्न सहाफती तंजीमों के साथ मिलकर लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत सहाफियों को तरजीही बुनियादों पर सेहत कार्ड फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत ने प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वफ में पास के सदर राजा मोहसिन एजाज, सेक्रेटरी जनरल अदील सरफराज और दूसरे अहदेदार शामिल थे। वसारत खजाना के तर्जमान मुजम्मिल असलम ने कहा है कि मुआशी शरहनुमा को 5% पर मुस्तकिल रखना हमारा हदफ है। ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का वावेला मन घड़त है। PTV से खसूसी तौर पर बात करते हुए मुजम्मिल असलम ने कहा कि वाहिद हुकूमत है जिसने अमरीका के मुकाबले में मुल्की मफादात को तरजीह दी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़िशान अहमद। वज़ारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने कहा कि वाज़ह अक्सरियत से ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर कराया गया जो कि मालियाती असलाहात से मुतालिक था। इसके अलावा कौमी असेंबली के इजलास की तकारीर में अपोजिशन रहनुमाओं ने पॉइंट स्कोरिंग की। एक हफ्ते से सेनेट पे और जो है नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज पे डिस्कस होता था जिसमें हमारे वजीर खजाना, FBR चीफ, फाइनेंस सेक्रेटरी घंटों रोजाना इनके जो नुमाइंदे वहाँ बैठे होते थे उसके साथ ये डिस्कस होता था और नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी जो है इन्हीं के नुमाइंदों ने वहाँ बैठ के पास किया। ये किस मुँह से बोल रहे हैं कि जो है हमें डिबेट नहीं करने दी। मुजम्मिल असलम ने कहा कि PTI वो वाहिद हुकूमत है जिसने अमेरिका के मुकाबले में मुल्की मफादात को तरजीह दी जबकि 1500 अरब रुपए का कर्जा भी वापस किया। सॉवरेनिटी जितनी इमरान खान ने जो है इस मुल्क की जो है जिसका पासदारी की है, जिसकी जो है हिफाजत की है, शायद किसी हुकूमत ने नहीं की। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने कहा कि मुर्गी के गोश्त, डबल रोटी, दूध और नमक पर टैक्स लगाने की बातें मनगढ़ंत हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मालियाती ज़िमनी बिल 2021 ऐसी बजट असलाहत का नाम है जिससे एक जानब दस्तावेजी मीशत फरोग पाएगी तो दूसरी जानब साहिब सरूर अफराद पर इजाफी टैक्स से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। मालियाती ज़िमनी बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई है। ताहम आम आदमी पर अजाफी टैक्स का कोई बोझ नहीं डाला गया। लगाए गए टैक्सों में से भी 280 अरब रुपए दहिंदगान को वापस कर दिए जाएंगे। बिल में की गई तरामीम के तहत बेकरी आइटम्स, दूध, पोल्ट्री की ब्रांडेड मसनूआत और दूसरी कई अशिया बशमूल लैपटॉप्स पर टैक्स नहीं लगाया गया। मालियाती बिल में तमाम दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी यकसान रहेगी जबकि मुकामी तौर पर तैयार की गई गाड़ियों पर आयात ड्यूटी को कम किया गया है। ज़िमनी बिल का मकसद ज्यादा से ज्यादा शहरियों को टैक्स नेट में लाकर तरक्की के लिए दरकार वसाइल को बढ़ाना है। डॉक्यूमेंटेशन हम नहीं रोकेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन जरूर करेंगे और ये इसका पर्पस है। जब आप इनपुट पे लगा देते हैं सेल्स टैक्स तो उसके बाद आउटपुट जो है उसके ऊपर आप उस वक्त क्लेम करेंगे जब आगे जो डॉक्यूमेंटेड होगा जिसको आप बेचेंगे। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो लैपटॉप, अगर आप टेक्नोलॉजी को आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो लैपटॉप, तो हमने कहा यार उसके ऊपर 100% सब्सिडी दे दें। पाकिस्तान में सालाना 18 से 20 खरब रुपये की सेल्स में से सिर्फ 3 खरब 50 अरब रुपए का कारोबार दस्तावेजी सूरत में होता है। इस अमल को कंट्रोल करने के लिए भी मालियाती बिल में मौसर इकदामात उठाए गए हैं। मालियाती बिल से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। टैक्स नेट में इजाफे से हुकूमत की आमदन बढ़ेगी जिससे लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सकेगा। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर सैयद समसाम अली बुखारी के भाई सजादा नशीन आस्ताना आलिया करमावाला शरीफ पीर सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने सैयद समसाम अली बुखारी और सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूम की मग़फ़रत और गमजदा ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मुआवने खुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब हसन खावर ने भी सूबाई वज़ीर सैयद समसाम अली बुखारी के भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस और पसमानदगान से दिली हमदर्दी का इजहार किया है। गिलगित बल्तिस्तान में अवलीन कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। मुल्क के 19वें कैंसर अस्पताल पर 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आई है। इसी बारे में देखते हैं गिलगित से पीटीवी न्यूज के नुमाइंदे नजाकत अली की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। मिनावर गिलगित में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने तख्ती की नकाब कुशाई की। तकरीब के दौरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने खताब करते हुए कहा कि कैंसर अस्पताल वफाकी हुकूमत की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लिए सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम है, जिससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कैंसर जैसे मौजी मरज का इलाज घर की दहलीज पर मुमकिन होगा। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में कैंसर अस्पताल के फैसिलिटेशन सेंटर्स के लिए सूबाई हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के 15 लाख अवाम को जो कि दूसरे शहरों का रुख करते थे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए एक आसानी हो जाएगी और उन लोगों को अपने डोर स्टेप पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवलीन और मुल्क के 19वां कैंसर अस्पताल पर 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आई है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस मंसूबे पर 2018 में बाकायदा काम का आगाज़ किया गया और मुकर्रर मुद्दत से कबल आलमी मैयार के मुताबिक इस मंसूबे का तामीराती काम मुकम्मल किया गया। इस मंसूबे के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने 108 कनाल ज़मीन फराहम की है। अस्पताल में गिलगित बल्तिस्तान के कैंसर के मरीजों का रियायती बुनियादों पर इलाज होगा और गिलगित बल्तिस्तान से कैंसर के मरीज इलाज के लिए मुल्क के दूसरे शहरों का रुख करने और भारी अखराज से बच सकेंगे। नज़ाकत अली, पीटीवी न्यूज़, गिलगित। बस एक तू ही तो रह गया है, जहान सारा तो खो चुका हूँ, तुझे भी अपनी अना में आकर खफा करूँगा तो क्या करूँगा। आज उर्दू के नामवर और साहिब तर्ज शायर मोहसिन नकवी की 26वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहसिन नकवी का असल नाम सैयद गुलाम अब्बास था और वो डेरा गाजी खान में पैदा हुए। मोहसिन नकवी ने एमए तक तालीम हासिल की और अपना अदबी सफ़र डेरा गाजी खान के हफ्त रोज़ा हिलाल में बाकायदा हफ्तावार कता और कॉलम नवेसी से शुरू किया और इसी साल मुल्तान के रोज़नामा अमरोज़ में भी हफ्तावार कॉलम लिखना शुरू किया। मोहसिन नकवी की शेरी तस्नानीफ में बंदे कबा, बर्ग सहरा, रेजा हर्फ, मौजे दराग, रदाय ख्वाब, अजाब दीद, तुलुए अश्क, रख्त शब, खेमा जा, फरात फिक्र, मेरा नोहा इन्हीं गलियों की हवा लिखे की शामिल हैं। मोहसिन नकवी की अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको तमखा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा। मोहसिन नकवी 15 जनवरी 1996 को लाहौर में किसी नामालूम शख्स की गोली से जाँ बहक हो गए, डेरा गाजी खान में आसूदा खाक हैं। और 20वीं सदी के मारूफ शायर, मुसन्निफ, कॉलम निगार और सूफी वासिफ अली वासिफ का आज यौम पैदाइश है। ये वासिफ अली वासिफ ही थे जिन्होंने मोहब्बत में गैर की राय को हराम करार दिया था। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है वकार हैदर ने। ये तारुफ नामा है हजरत वासिफ अली वासिफ का। वासिफ अली वासिफ 15 जनवरी 1929 को खुशाब में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल खुशाब से हासिल की, जिसका असल नाम मनमोहन नाथ हाई स्कूल खुशाब था। ग्रेजुएशन करने के बाद एमए अंग्रेजी अदब के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ गए। नाभा रोड पर लाहौर इंग्लिश कॉलेज में दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हो गए। अच्छे उस्ताद होने के साथ साथ अच्छे शायर भी थे और नए वक्त में हर हफ्ते उनका कालम भी छपता था। कई एक किताबों के मुसन्निफ वासिफ अली वासिफ की तसानीफ में कतरा कतरा कुलजम, हर्फ हर्फ हकीकत, दिल दर्जा समंदर, बात से बात, गुमनाम अदीब, जिक्र हबीब, मुकालमा, दरीचे और पंजाबी शायरी का मजमुआ भरे भड़ोले भी शामिल हैं। शायरी भी कमाल करते थे। लिखते हैं, ना आया हूँ न लाया गया हूँ, मैं हर्फे कुन हूँ फरमाया गया हूँ। वासिफ अली वासिफ के दो कौल आप भी देखिए, कहते हैं, अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद न करो, और इखलाकियात पर बात करते हुए कहा, इखलाक ये है कि अल्लाह की रजा के लिए अपने मिजाज को बद इखलाक न होने दें। वकार हैदर, पीटीवी न्यूज, इस्लामाबाद। और कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे, बलूचिस्तान के ऊंचे पहाड़ों को सर करने वाले कोयटा के मोमिर कोहपमा 70 साल की उम्र बीबी नौजवानों को अपनी मदद आपके तहत पहाड़ों पर हाइकिंग करने की बाकायदा तरबियत देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से शहबाज खान काकड़।
ये है अब्दुल वाहिद बाबई, क्वेटा के मुअम्मर हाइकर। शहर की भीड़ बाढ़ और शोर शराबे से निकलकर यहाँ के बुलंद व बाला पहाड़ों में चलतन तकतू और स्लीपिंग ब्यूटी में हाइकिंग इनका मशगला है। हमने बलूचिस्तान के कोई चलतन और कोई तकतू और कोई चारगाश मरदार पहाड़ और तख्त सुलेमान। हमारा मकसद ये है कि ये जवान लोग जो है अपना मेहनत लगन से प्रैक्टिस करे, अगर प्रैक्टिस करेगा ग्राउंड आबाद करेगा तो अस्पताल ही वीरान होएगा। पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों पर पैदल चलना और घूमना फिरना, अब्दुल वाहिद ने ये साबित कर दिया कि उम्र में क्या रखा है, ये तो महज एक इंसा है, बस हिम्मत हौसला और लगन होना चाहिए। शाहबाज खान का कड़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, क्वेटा। पंजाब हुकूमत की तरफ से अजला की सतह पर बनाए गए शेल्टर होम्स घरेलू और जिनसी तशद्दुद का शिकार और बेसहारा खवातीन को तहफ्फुज़ के साथ साथ कानूनी मुआवनत भी फराहम कर रहे हैं। तमाम शेल्टर होम्स में माहिर नफ्सियात और डॉक्टर्स की खिदमात भी मुयस्सर है। देखते हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम ननकाना साहब में बनाए गए शेल्टर होम में साल 2021 में घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली 114 खवातीन और 19 बच्चों को रहायश, तलीम, खाना और मेडिकल की बेहतरीन सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की गई। वो ऐसी जगह पर आके अपने आप को महफूज तसव्वुर करने लगी। एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग होती है यहाँ पर और लीगल एड मुहैया की जाती है। हुकूमती इदारों के साथ साथ समाजी तंजीम में भी शेल्टर होम में मुकीम बेसहारा खवातीन की मुश्किलात कम करने और उन्हें मुआशरे में बाइज्जत मकाम दिलाने के लिए सरगर्म है। समाजी तंजीम की तरफ से शेल्टर होम में मुकीम खवातीन और बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। आज के सूट तकसीम करना ये उनके लिए सर्दियों के मौसम में एक गिफ्ट है और उनको मिलने का एक बहाना था। शेल्टर होम में कैंप के दौरान खवातीन को वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए हुनरमंद भी बनाया जाता है ताकि वो घर वापसी पर बाइज्जत रोजगार शुरू कर सके। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज, ननकाना साहिब। वज़ीर आज़म इमरान खान के वचन के मुताबिक कम आमदनी वाले अफराद के लिए मौसम सरमा के गर्म कपड़े, जूते, बिस्तर और दीगर अशिया की मुफराहमी के लिए एहसास बाजार कायम कर दिए गए हैं। दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी एहसास बाजार का इफ्तिताह कर दिया गया है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद की रिपोर्ट, मुलाहिज़ा कीजिए। फैसलाबाद में एहसास बाजार आर्ट्स काउंसिल के अहाते में कायम किया गया है। एहसास बाजार में मुस्तहिक खवातीन, मर्दों और बच्चों के लिए मौसम सरमा की मुनासबत से गर्म कपड़े, चादरें, जूते, जुराबे और जैकेटें रखी गई हैं। मुस्तहिक अफराद अपने शनाख्ती कार्ड दिखाकर टोकन लेते हैं और स्टॉल पर मौजूद अमले को ये टोकन देकर अपनी मर्जी की अशिया मुफ्त ले लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 6 स्टॉल्स हैं जिसमें जैकेट्स, आपकी जो रजाइयाँ हो गई, शूज, स्वेटर्स, मुख्तलिफ चीजें हैं। एहसास बाजार में इब्तदाई तौर पर 1000 अफराद को रोजाना की बुनियाद पर मौसम सरमा की जरूरी अशिया मुहैया की जा रही हैं। सर्दी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब और हमारे वजीर आला साहब ने ये ऑर्डर्स पास किए कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में एहसास बाजार लगाए जाए। मिलने आपको पता है ये टेक्सटाइल शहर है तो उन लोगों ने इस जज्बे के साथ आगे आए हैं और आपने देखा कितनी खूबसूरत और बेहतरीन क्वालिटी चीजें यहाँ मौजूद है। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि बगैर आपको मांगे चीज मिल रही है, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नबील अरशद और मेंबर सूबाई असेंबली राय फिरदौस ने जिले अफसरान के हमरा एहसास बाजार का दौरा किया। एहसास बाजार से जरूरत की अशिया लेकर मुस्तहकीन न सिर्फ सर्दी की शिद्दत से बच सकेंगे बल्कि उनका माशी बोझ भी कम होगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फैसलाबाद। पाक बहरिया के गौताखोर ने रावल डैम में डूबने वाली खातून की तलाश के लिए नाइट सर्च ऑपरेशन किया। सीडीओ और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दी जाने वाली इतला पर पाक बहरिया के गौताखोर अब्दुल रहमान ने रात के अंधेरे में सर्च ऑपरेशन करके लाश को तलाश करके लवाहिकीन के सपोर्ट कर दिया। रावल डैम पर मौजूद पाक बहरिया की गौताखोर टीम गुज़श्ता कई बरसों से इस्लामाबाद समेत शिमाली इलाकाजात में मुतअद्दिद कामयाब सर्च ऑपरेशन सर अंजाम दे चुकी है। इस्लामाबाद में मौजूद अपनी नौयत की इस वाहिद गौताखोर टीम का वली मकसद किसी भी हादसे की सूरत में आवाम को फौरी मुआवनत फराहम करना है।
बहावलपुर में सड़क हादसे में 4 बच्चे जहां भाग जबकि 13 जख्मी हो गए। हादसा बहावलपुर में मुसाफिर खाने के करीब पेश आया जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रॉलर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसा शदीद धुंध और ट्रॉलर ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया जहां भाग और जख्मी होने वाले बच्चे स्कूल जा रहे थे। रेस्क्यू 1122 और दीगर इमदादी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मियों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और नाज़रीन आलमी खबरनामे से खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताएंगे, वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,68,000 नए केसेस की तस्दीक की गई है। ये तादाद गुज़श्ता रोज से ज्यादा है। इस दौरान 402 हलाक हो गए। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मामले में 6,000 से ज्यादा तजावज कर गए हैं। दिल्ली में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज है और अगले 55 घंटे के लिए तमाम गैर जरूरी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 50 तलबा में कोरोना की तशखीस हुई है जिसके बाद इम्तहान मुलतवी कर दिए गए हैं। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में ट्रेन हादसे में 9 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत मगरबी बंगाल एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया जिसके दौरान रेलगाड़ी की 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। कुछ मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं, ताहम कुछ की हालत तशवीशनाक है और अब भी अस्पताल में 36 जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और उधर सूडान में 25 अक्टूबर को फौजी मुदाखलत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। दारुलहुकूमत खरतोम और दूसरे शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। खरतोम में सदारती महल की तरफ मार्च करने वाले मुजाहरीन ने फौजी बगावत के खिलाफ नारे लगाए और हुकूमत सिविल इंतजामिया के हवाले करने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 25 अक्टूबर से मुल्क में जारी एहतजाजी मुजाहरों में अब तक 64 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। स्वीडन की खातून वज़ीर-ए-आज़म मैग्डालेना एंडरसन भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई हैं। 54 साला वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने खुद को घर में करंटीना कर लिया और वो अब घर से ही अपने फ्राइज सर अंजाम देंगी। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी के दीगर कई रहनुमा भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने एक इजलास में शिरकत की थी। इससे कबल स्वीडन के बादशाह मलिका और वलीअहद भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं और इस वक्त स्वीडन में कोरोना केसेज में तेजी से इजाफा हो रहा है। तिबी हुकाम के मुताबिक स्वीडन में कोरोना के रोजाना 25,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और श्रीलंका में माहौलियात और जंगली हयात के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वालों ने कहा है कि खुलेआम फेंका गया प्लास्टिक खाने से इलाके के हाथी मर रहे हैं। रवां हफ्ते मजीद 2 हाथी मुर्दा पाए गए हैं। प्लास्टिक खाने से अब तक 20 हाथी हलाक हो चुके हैं। मुर्दा हाथियों के मायने से पता चला है उन्होंने बड़ी मकदार में तलफ न होने वाला प्लास्टिक निगल लिया था जो कचरे के ढेर में पाया जाता है। मुल्क में हाथियों की तादाद तेजी से कम हो रही है। वो अपने कुदरती मस्कन के नुकसान और कमी की वजह से तेजी से गैर महफूज हो रहे हैं। नाज़रीन शिमाली कोरिया ने 2 हफ्तों में 30 तजुर्बा करते हुए 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि उन्होंने 2 मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का पता चलाया है जो शिमाली कोरिया के मगरबी साहिल से दागे गए। जापान के कोस्ट गार्ड्स ने इतला दी है कि शिमाली कोरिया ने जो मिसाइल फायर किया वो एक बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। जापानी वजारत दिफा ने एक अहलकार के मुताबिक ऐसा लगता है कि मिसाइल जापान के खसूसी इक्तसादी जोन के बाहर समंदर में गिरे हैं। और मौसम की बदलती ऋतुओं के हवाले से आपको अपडेट करें, हल्की से दरमियानी बारिशों का सिलसिला मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में मंगल के रोज दाखिल होगा जो कि जुमेरात तक बालाई इलाकों में मौजूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल और बुध के रोज क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई है। मंगल से जुमेरात की सुबह तक इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई की गई है। मंगल रात से जुमेरात के दौरान मरी गलियात नथिया गली कहान नारान चित्राल दीर स्वात कोहिस्तान अस्तोर हुंजा गिलगित वादी नीलम बाग और हवेली के अजला में हल्की से दरमियानी बर्फबारी हो सकती है। मुल्क में होने वाली हालिया बारिश गंदम की फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मंगल और बुध को दीर मालाकंड हजारा स्वात कोहिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बारिशों से हालिया शदीद धुंध में कमी का इम्कान है।